अस्सलाम वालेकुम जमात दोम के तुलबा, मैं हूँ ताहा दानियाल जी। आप बैठे हैं उर्दू की क्लास में और आपके पास जमात दोम की उर्दू की किताब होनी चाहिए जिसका नाम है कारवाने उर्दू, और दूसरी अमली किताब आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों किताबें आप तमाम बच्चों के पास मौजूद होनी चाहिए। चलिए आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे सबक का नाम है खुदा की तारीफ। अपनी दरसी किताब कारवाने उर्दू खोल लीजिए और उसका सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। आज हम हम्द की पढ़ाई करेंगे। हम्द की पढ़ाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ सीखेंगे। हम्द की तारीफ समझ सकेंगे, इस हकीकत को जान सकेंगे कि इस कायनात का बनाने वाला और मालिक अल्लाह ताला है। दरस तलफ्फुज़ से हम की पढ़ाई कर सकेंगे और मुश्किल अल्फाज की इमला कर सकेंगे। जरा सोचिए तुलबा, हम सबको किसने पैदा किया है? सोचें, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। बच्चों, हर काम शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए। बच्चों, हम आज हम्द की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हम्द की तारीफ हम पढ़ते जाते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। एक दफा फिर दोहराई देती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। बच्चों, आइए हम अपनी कारवाने उर्दू का सफा नंबर 1 खोलते हैं और खुदा की तारीफ यानी हम्द की पढ़ाई करते हैं। तू ही सबका मालिक सबका खुदा, तू बेआसरा हम और आसरा तू, बंदों पे शफकत है काम तेरा, लेते हैं हर दम हम नाम तेरा। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत ये प्यारी दुनिया, हैवान इंसान तूने बनाए, शहर और बियाबान तूने बसाए, रोशन किए हैं तूने ये तारे, ये नन्हे नन्हे ये प्यारे प्यारे, फूल और फल सब तूने बनाए, बागों में तूने पौधे उगाए, तूने समझ को बढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया पढ़ना सिखाया, है आम सब पे एहसान तेरा, अख्तर को यारब है ध्यान तेरा। जी बच्चों, हमने हम की पढ़ाई कर ली। आइए एक अच्छी सी प्यारी सी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। तमाम बच्चे इस वीडियो को गौर से देखें कि अहमद अपने अब्बा जान से क्या बातें कर रहा है। का इजहार कर रहे हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। ये बात आपको कैसे मालूम? वो कुरान में है बेटे। ये परिंदे ही नहीं, चूंटियां, समंदर की मछलियां, शहद की मक्खी, मेंढक, ऐसे ही जमीन और आसमान की हर मखलूक अल्लाह को याद करते रहते हैं, ये कहकर कुरान ने बताया है। अभी वो अपनी गिजा तलाश करके दूर दूर फैल जाते हैं। उनको कहाँ से गिजा मिलती है? कौन उनको खाना देता है? अल्लाह ताला देगा, सिर्फ इन चिड़ियों को ही नहीं, ये दुनिया की हर मखलूकात को खाना खिलाने वाला अल्लाह ही है।
जी बच्चों, आपने एक वीडियो देखी जिसमें अल्लाह ताला के बारे में बताया गया कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क देता है, हम सबका मालिक अल्लाह ताला है। अच्छा बच्चों, जो हमने हम्द पढ़ी है, आइए हमने जो हमसे नए इमलाक अल्फाज सीखे, आज हम उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। आसरा, शफकत, खूबसूरत, बियाबान, रोशन, ध्यान, बच्चों आपको ये अपनी आपको इस यहाँ पे अपनी अमली किताब की जो तस्वीर नज़र आ रही है, आपने इन इमला के अल्फाज को अपनी अमली किताब के सफ़े पे सफ़ात पे लिखना है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छी लिखाई में आपने ये इमला के अल्फाज अपनी अमली किताब पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम हम्द की वजाहत पढ़ते हैं कि जो हमने हम्द पढ़ी है उसमें क्या बताया गया। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ करती है। इस खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारक है। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई और इंसान के लिए बेशुमार नेमतें अता की। इंसानों के लिए फल पैदा किए, खुशबूदार फूल और पौधे बनाए। उसने ही इंसान को अक्ल दी और लिखना पढ़ना सिखाया। इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करें। आइए बच्चों, नए अल्फाज के मायने समझते हैं और पढ़ते हैं। अल्फाज आसरा, मायने सहारा, शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी, ध्यान, ख्याल, बियाबान, जंगल, हरदम, हर वक्त। आइए बच्चों, एक दिलचस्प सरगर्मी करते हैं। ये आपके सामने कुछ तस्वीर आ रही हैं। इन तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में मौजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई कुछ नेमतें दिखाई गई हैं, इनके बारे में बताइए। अब आपके सामने ये तीन तस्वीरें हैं, देखें और देखिए कि इसमें अल्लाह ताला की कौन सी नेमतें हमारे सामने मौजूद है। सोचिए और लिखिए। जी बच्चों, हमारे सामने जो अल्लाह ताला की नेमतें दिखाई गई हैं वो ये हैं: फल, पौधे और फूल, दरख्त, पानी, आसमान। ठीक है बच्चों, बच्चों आज हम आवाज अल्फाज पढ़ेंगे, ऐसे अल्फाज जो एक आवाज रखते हों, हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आपके सामने तस्वीर दी गई है, दादी और साथ ही वादी, दादी वादी। अब कुछ हम आवाज अल्फाज आपके सामने हैं, आप इन हम आवाज अल्फाज को गौर से देखिए। मैं ये सारे अल्फाज पढ़े देती हूँ। दिए गए खाने में से हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके बताइए। अब आप इन हम आवाज अल्फाज को बहुत गौर से देखिए और इनमें से इनकी जोड़ियां तलाश करें। मैं हम आवाज अल्फाज सारे पढ़ देती हूँ। आज, काम, नम, जान, कप, नाम, कम, रब, आन, दम, दाम, फूल, ढाल, धूल, दिन, आग, जाल, इंसान, नल, हैवान, फल, पल, बाल, शान, कौन, पढ़ना, रोना, बढ़ना, सोया, लड़ना। जी बच्चों, मैंने ये सारे हम आवाज अल्फाज पढ़ दिए हैं। अब आप इनमें से हम आवाज अल्फाज तलाश कीजिए। हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां कुछ ये हैं, जैसे काम, नाम, दाम, काम, नाम, दाम। फिर हमें इस खाने में से कौन सी जोड़ी मिली? नम, कम, दम।
ये हमें हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां मिल रही हैं। फूल धूल, फूल धूल। नल फल पल। इंसान हैवान शान, इंसान हैवान शान। ठीक है बच्चों, आज हमने हम आवाज अल्फाज की को तलाश किया, उनको पढ़ा और उनकी जोड़ियां तलाश की। आज हम इस सबक के आखिर में देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा है। हम की दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ाई की है हमने, मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई की, अल्फाज के मायने पढ़े और समझे, हम आवाज अल्फाज तलाश किए, सरगर्मी की। जी बच्चों, अब हम चलते हैं घर के काम की तरफ। जो आपने घर से काम अपना जमात की कॉपी पे, अपनी अमली किताब पे करना है, आपके सामने अमली किताब की तस्वीर आ रही है। आपने ये मश्की सवालात जो यहाँ मैं पढ़ूंगी वो आपने अपनी अमली किताब पे हल करने हैं। हम किसको कहते हैं, ये नज़म किसके बारे में है। नज़म में अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम तलाश करके लिखिए। पूरी दुनिया को तख्लीक करना करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या सिखाया है, तीन बातें लिखें। हम सबको हर वक्त किसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। इस नज़म में दी गई चीज़ों के अलावा अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम लिखिए। यह है आपकी कारवाने उर्दू दर्सी किताब। सरगर्मी देख लीजिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई दो चीज़ों की तस्वीरें बनाएं और इसमें रंग भरें। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी अमली किताब है और ये आपकी कारवाने उर्दू दर्सी किताब है। ये जो आपके मश्की सवालात हैं, ये आपने मश्की सवालात अपनी अमली किताब पे हल करने हैं। दी गई सत्रों पे साफ सुथरी लिखाई में लिखिए और सरगर्मी जो है वो आपने दो चीज़ों की तस्वीर अपनी कारवान की दर्सी किताब पर बनानी है और उसमें प्यारे प्यारे से रंग भरने हैं। मश्की सवालात के जवाब अमली किताब पे कीजिए और सरगर्मी दर्सी किताब पे कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।